हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार यादव आप लोगों के स्वागत करता हूँ आज के डिसेशन में। और हम देख रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, चार क्लास ले चुके हैं और आज क्लास नंबर क्या होगा, फाइव होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए। और यहाँ से आपका देखिए क्या क्या होगा, बीएससी पार्ट वन ठीक है, जो सेमेस्टर क्या होगा वन हो जाएगी। उसके बाद जो झारखंड है, देखिएगा झारखंड पीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में भी दिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बुक है लालजी प्रसाद का, तो उससे आप पीजीटी पीजीटी के लिए भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन और किस टाइप का फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होमोजीनियस होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन का हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे और होमोजीनियस फंक्शन होता है किस टाइप का। लेट यू बराबर, देखिएगा लेट u इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई बी द फंक्शन ऑफ, जो फंक्शन है वह एक्स वाई में है, एक्स एंड क्या लिखेंगे वाई, समझ में आ रहा है ना, एक्स और वाई लिखेंगे। इफ द सम ऑफ दी इफ द सम ऑफ द पावर पावर, ठीक है, पावर किसका देख लेंगे हम लोग, ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई इन द ईच टर्म ना, इन ईच टर्म, ठीक है, ऑफ यू, u बराबर कहने का मतलब क्या है, एफ एक्स कोमा y, r इक्वल, r क्या होना चाहिए इक्वल, देन u इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है, इसका मतलब है हम लोग देखेंगे क्या कि e बराबर f x y, मतलब u का जो फंक्शन दिया रहेगा x और y में दिया रहेगा, लिखा यही है कि लेट u बराबर f x कमा y बी द फंक्शन ऑफ x एंड y इफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन द ईच टर्म्स ऑफ u बराबर f x, f x कमा y इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि r इक्वल, मतलब जो पावर होना चाहिए उस दोनों x और y का जो पावर होगा उसको हम लोग जोड़ेंगे, अब प्रत्येक टर्म में क्या होना चाहिए इक्वल। अब टर्म क्या होता है हम लोग यहीं पे समझ लेंगे कि टर्म क्या होता है, उसकी पावर क्या होना चाहिए, दोनों का सम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा इक्वल, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। एक यहां से नोट हम लोग देखेंगे कि इफ द सम ऑफ द पावर, देखिएगा एक हम लोग यहां से थोड़ा नोट कर लेंगे, इफ द सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, x और y को यदि हम सम करते हैं इन ईच टर्म्स ऑफ एफ कमा y, मतलब x और y का जो पावर होगा उसको सम हम लोग करेंगे और ईच क्या आ गया इन आ गया, जो पावर कितना आ गया जोड़ने के बाद एन, देन लिखेंगे देन एफ एक्स कमा वाई इज कॉल्ड, ठीक है, होमो
होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ए, ठीक है। तो पहले सबसे हम लोग डिफिनेशन को समझ लीजिए। अगर होमोजीनियस फंक्शन को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, u बराबर दिया रहेगा f x कमा y, फंक्शन ऑफ x एंड y, जो फंक्शन दिया रहेगा x और y में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा x और y में। अभी दो वेरिएबल के पढ़ रहे हैं, तीन वेरिएबल भी होता है, तो दो वेरिएबल के लिए x एंड y देखेंगे। इफ द सम ऑफ द, सम मतलब क्या करेंगे, प्लस जोड़ होता है, ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y, मतलब फिर इन द Each terms of u, u मतलब क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन में जो वेरिएबल आपका x और y है, ध्यान से सुनिएगा, जो फंक्शन है, फंक्शन में वेरिएबल आपका x और y है, x और y है, उसको पावर देखेंगे, जो हम लोग पावर देखते हैं, जिसे घात देखते हैं ना, घात कि x का घात क्या है, y का घात क्या है, और दोनों का जोड़ेंगे तो सभी जगह क्या आना चाहिए, प्रत्येक टर्म का इक्वल आना चाहिए, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन। अगर इक्वल रहेगा नहीं तो उसको होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलेंगे। इफ द सम ऑफ पावर, मान लेते हैं कि यदि x और y की जो घात सम घात होगा उसको जोड़ने के बाद प्रत्येक टर्म में n आता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन उसकी ऑर्डर या डिग्री क्या बोलेंगे, ऑर्डर या डिग्री, ऑर्डर या डिग्री कितने ऑर्डर का है, ये n ऑर्डर ऑफ क्या होगा, n के लिए पावर क्या, इसका सम क्या आ रहा है, n आ रहा है पावर को जोड़ने के बाद, तो उसका डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, आप एग्जांपल पहले बढ़िया से लिखिएगा, एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है कि एफ एक्स क्या है, एफ, ठीक है, एफ एक्स का मोबाइल बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वाई, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है मेरा होमोजीनियस है या नहीं है। पहले एक टर्म को समझ लीजिए, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा, प्रत्येक जगह समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, इसकी पावर क्या है टू। देखिए टर्म कहने के मतलब टर्म क्या है इसमें, देखिए बताइए टर्म क्या है इसमें, देखिए टर्म की जो संख्या है वो थ्री है, मतलब एक टर्म इसका दूसरा टर्म और ये क्या है थ्री टर्म है, प्रत्येक टर्म में जो पावर होनी चाहिए उसका इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे पावर कितना है, और यहाँ पे पावर कितना है, दो है। कैसे दो है, देखिए हमें किसका पावर देखना है, एक्स और वाई के, एक पावर एक पावर, उसके बाद पावर को क्या करना है सम, तो वन वन जोड़ेंगे तो कितना पावर हो जाएगा दो। प्रत्येक टर्म में पावर क्या होना चाहिए, प्रत्येक टर्म में पावर क्या होना चाहिए इक्वल, तो सब जगह इक्वल है तो इज क्या बोलेंगे, इज इसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। बात समझ में आ गया ना, तो होमोजीनियस फंक्शन पकड़ने का यही तरीका है। दूसरा एग्जांपल देखिए, नंबर टू है, नंबर एफ एक्स कमा क्या है वाई बराबर, यहां से ले लेते हैं थ्री एक्स के पावर क्या है थ्री है प्लस फोर वाई क्या है थ्री है, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं मतलब फाइव ए एक्स स्क्वायर और वाई है। अब ए भी फंक्शन को हम चेक करेंगे, पावर कितनी है थ्री है, पावर कितनी है थ्री है, यहाँ भी पावर थ्री है क्योंकि ये क्या है उनसे टू है और ये क्या है वन है, जोड़ेंगे तो क्या होगा थ्री होगा। तो इस फंक्शन को कौन सा नाम दिया जाएगा बताइए, इस फंक्शन के होमोजीनियस फंक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बात यहाँ आता है कि कब होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो तीसरा देखिए ये आता है कि एफ एक्स कमा वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स वाई है प्लस थ्री एक्स ना और प्लस फोर वाई। इस फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। पावर कितनी है यहाँ पे दो, यहाँ पे पावर क्या है दो है, कैसे वन और वन दोनों पे जोड़ेंगे तो टू होगा, ये दोनों इक्वल है, पावर कितना है
देखिए यहाँ पे दो पावर मिला, यहाँ भी पावर दो मिला और यहाँ पे वन वन मिला, क्या ये इक्वल है? सब जगह इक्वल नहीं है। तो ईच क्या बोलेंगे? ईच नोट एजेंट करने का मतलब एच से क्या लिखेंगे? होमोजेनियस, और एफ से क्या लिखेंगे? फंक्शन। भूलिएगा नहीं ना, कभी कभी चेक करने के लिए बोलता है कि अगर दो वेरिएबल में दिया हुआ है, दो वेरिएबल का अगर हम चेक करेंगे कि यह फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है, क्या भी, तो सभी जगह पावर कितना आना चाहिए? सभी जगह पावर कितना आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जैसे इसकी पावर क्या है? दो है। इसकी पावर भी क्या है? दो है। इसकी पावर देखिए, वन और वन को क्या करना होगा? सम करेंगे। सम करने के बाद क्या मिलेगा? दो मिलेगा। तो इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम लोग? होमोजेनियस। सबसे मेन क्या है? डिफिनेशन, डिफिनेशन के बाद एग्जांपल। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको नोट कीजिए आप। देखिए अब क्या करेंगे, कोई भी होमोजेनियस फंक्शन का जो ऑर्डर हम लोग पता करेंगे, किस टाइप से पता करेंगे, है ना, कि ऑर्डर कितने के, ये तो पता चल गया ऐसे भी ऑर्डर कितने के, लेकिन ये सिंपल तरीका था, आप सीधा सीधे लिखे, इसके बटा में कुछ नहीं है ना। यदि मान लेते हैं कि ये है कि f x कमा y बी अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, ऑफ एन ऑर्डर या nth ऑर्डर कर देते हैं, कितना कर देखें, तो ऑर्डर इसका हम क्या माने हैं? एन माने हैं। तो देन फंक्शन कैसा दिखना चाहिए? f x कमा y बराबर x के पावर क्या होगा? n फाई y बटा x। तो इसकी ऑर्डर अगर किस टाइप का फंक्शन रहेगा, और यह फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। तो ऑर्डर हम लोग पता करेंगे कि ऑर्डर कितना होगा इसका, तो आप बताइएगा कि n होगा। ये जो होगा, इधर का पावर नहीं दिखना है, इसका पावर वन, इसका भी पावर वन कट करके कुछ नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो फैक्टर में रहेगा उसकी पावर हम लोग देख करके बता देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल में कि मेरे पास एफ एक्स कमा वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई है। यह जो फंक्शन है आपका होमोजीनियस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इसको हम लोग बोल सकते हैं इज अ लेकिन ऑर्डर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इस वाले को थोड़ा सा सोल्व करना है बच्चे। ध्यान में है कि बटा में हमेशा क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स। लेकिन इसका पावर भी चलेगा, नहीं भी रहेगा पावर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो वन प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर होगा। यहां से एक्स कॉमन करेंगे तो वन माइनस वाई बाई एक्स। इतना याद है कि जिसके पास x नहीं है उस कहा आएगा? बटा में। ये वाला कटेगा तो क्या मिलेगा? x के पावर 1 प्लस y बटा x का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस y बाई x होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस वाले फंक्शन के यदि हम ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए y बटा x ए भी एक फंक्शन है, इसको हम 5y by x भी लिख सकते हैं, क्योंकि y by x दिख रहा है ना, जैसे x का y में दिख रहा है तो y by x 5 में लिखेंगे। तो इसका फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? फैक्टर की पावर जो रहेगा उसी को ऑर्डर बोलेंगे। बात समझ में? ऑर्डर कहने के मतलब आप देखिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा सर इसकी पावर कितना है और इसकी पावर कितना है, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक तो बचेगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। बात समझ में आया? आया या नहीं आया? लेकिन चेक करने का ये तरीका, जैसे दूसरी एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग कि एफ एक्स एकदम डायरेक्ट बताएंगे कि एक्स के पावर 4 प्लस क्या है? एक्स के पावर 4 है, वाई के पावर 4 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है कि वाई स्क्वायर है। अब बोलिएगा सर इसकी ऑर्डर, ऑर्डर
क्या है, या डिग्री भी लिखा जाता है। अब बताइए कितने ऑर्डर का है या डिग्री है, बता सकते हैं आप लोग? टू है। कैसे हम जान गए कि टू है, बताइए कैसे जान गए कि टू है? फोर से टू बताएगा। हाँ, आया तो ऐसे कीजिएगा कि फोर यहाँ पे चार है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो कट करके क्या मिलेगा, टू। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू ऑर्डर। बात समझ में आएगा? ऑर्डर की जगह पर हम ज्यादा करके डिग्री भी लिखेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के यदि ऑर्डर पता करेंगे तो हम x के पावर n 5y/x, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का रहेगा, कॉमन कर देंगे, जो कटेगा कट गया, उसकी पावर के x की पावर 1 है, बाकी y बटा x का देखना ही नहीं है, क्योंकि y बाई एक्स आ गया ना, 1 वगैरह घटेगा चाहे जुटेगा उससे कोई मतलब, y बाई एक्स आ गया, y बाई एक्स आ गया, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर नहीं, फिर भी इसका जो फैक्टर होगा मल्टीपल में होगा x के पावर 1 है, तो ये क्या होगा, ऑर्डर 1 ऑर्डर का है। नहीं समझ में आएगा तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 से डिवाइड करके ऐसे तो 2 मिलेगा, डिवाइड नहीं करना, मतलब ये कट जाएगा, 2 में से वो कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अब समझ में आ गया, इसको नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक थ्योरम को लिया गया है, उसका नाम है आयलर थ्योरम, ठीक है। इस वाले को बहुत अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, और यहाँ से एक एग्जाम में आता ही आता है, और इस एग्जाम में इस वाले को हम लोग यदि पढ़ेंगे तो झारखंड जो है, झारखंड की लिखिएगा इसको पीजीटी और पीजीटी, इस वाले को हम लोग देखें, एक से जरूर एक प्रश्न झारखंड पीजीटी और पीजीटी में पूछेगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक है बनाने के लिए, मतलब जब भी अगर कोई भी आयलर थ्योरम को एक दिन सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें करना क्या है, तो मतलब एक मिनट क्या 10 सेकंड के अंदर में आपका ये बन जाएगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि तो इसका एक ट्रिक है, और ये लंबा ट्रिक से भी बनता है कि लंबा भी सोल्व होता है और एक शॉर्ट में भी सोल्व होता है, 10-15 सेकंड में सोल्व हो जाता है। इस वाले को बहुत अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो स्टेटमेंट क्या है, इसको पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहां से लेट u इक्वल टू fx, y बी अ एक फंक्शन, नाम है उसका होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, इन x एंड क्या करेंगे y, x एंड y, आ समझ में, ऑफ, अब यहां से डिग्री देखेंगे, ऑफ डिग्री क्या करेंगे, डिग्री a, देन x डेली y डेल x प्लस y डेली y डेल y इक्वल टू एंड u, कोई परेशानी नहीं है, डेली बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई डेली बाई डेल एक्स और डेली बाई डेल वाई आपको पता है, पहले भी पिछले हम लोग क्लास में देखे थे कि डेली बाई डेल एक्स कैसे निकाला जाता है, डेली बाई डेल वाई कैसे निकाला जाता है, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए का आना चाहिए एन, एन मतलब कहने के क्या है, डिग्री, और डिग्री भी आपको पता चल गया कि डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री कहने का मतलब ऑर्डर जो निकालते थे वही डिग्री का काम कर लेगा, यू कहने का मतलब जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या बताएंगे, इसको थोड़ा आगे हम लोग देख लेंगे, एक जब प्रश्न बताएंगे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो उसके एग्जाम्पल में बहुत शॉर्ट तरीका से बता दिया जाएगा ये जल्दी में कैसे सोल्व होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका देख लेते हैं कि प्रूफ क्या होता है, देखिएगा, लेट u बराबर हम ही मान लेते हैं, u बराबर क्या होगा f ना, ऐसे भी u बराबर f ऑफ x कमा y बराबर हम लोग लिखेंगे a वन x अल्फा वन y की पावर क्या होगा बीटा वन प्लस उसके बाद हो जाएगा a टू x अल्फा टू y क्या हो जाएगा बीटा टू प्लस में क्या होगा a n ना x के पावर अल्फा a
वाई और पावर मीटर, ये नंबर क्या होगा वन। समझ में आ रहा है? इस टाइप के फंक्शन, अभी जो फंक्शन हम लोग पढ़े थे फंक्शन नहीं, अरे भाई अभी तो फंक्शन पढ़े थे एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ये फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एन डिग्री है, कितने डिग्री है, ये कितना डिग्री का है, टू डिग्री, और ये कितने डिग्री का है, एट डिग्री, तो एन टाइप तक चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक चीज काम करेंगे, इस बात को समझिएगा कि अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस बराबर ना अल्फा टू बीटा टू बराबर डॉट डॉट क्या करेंगे अल्फा एन और प्लस बीटा एन इक्वल टू एन आएगा। ये आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए, नहीं आया ना? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या बोला जाता है बच्चे, डिग्री। अच्छा ये बताइए डिग्री बोला जाता है तो उसमें लिखा था कि x और y की जो पावर होगी, x और y की जो पावर होगा उसको सम कर देना है, बराबर क्या होता है डिग्री, मतलब क्या होगा यदि डिग्री के बात करेंगे, थोड़ी सी लिख देते हैं, ये सब आपको नोट नहीं करना है ना, इसको समझा रहे, यदि डिग्री की पावर होगा, पावर डिग्री, डिग्री करने का मतलब बात करेंगे तो सम ऑफ क्या करेंगे पावर, सम ऑफ पावर किसका, ऑफ एक्स और वाई का, एक्स का पावर क्या है वन, इसका भी पावर क्या होगा वन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टू हो जाएगा नीचे। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा डिग्री, अब देखिए ये पावर क्या है एक्स का अल्फा वन, वाई के पावर क्या है, दोनों के जोड़ देंगे तो पावर कितना आ जाएगा एन, क्योंकि यही दोनों पावर सम कहलाता है डिग्री, यही एक्स का पावर वाई के पावर जोड़ेंगे तो क्या बोलता है डिग्री बोला जाता है, तो डिग्री क्या है एन है, तो अल्फा वन बीटा वन को जोड़ेंगे तो डिग्री मिलेगा, डिग्री करने का मतलब एन मिलेगा, उसी तरह से अल्फा टू बीटा टू को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एन ही मिलेगा, फिर अल्फा एन प्लस बीटा एन को जोड़ेंगे तो एन ही मिलेगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया, क्या चंदन आ गया के कुछ बताइए कि समझ में कैसे आया, यही बोलिएगा कि सर जो डिग्री होती है वो एक्स का पावर वाई के पावर का सम होता है वो डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पे अल्फा वन प्लस बीटा वन को जोड़ेंगे तो आ जाएगा डिग्री, और डिग्री तो मेरा क्या है एन है, इसका मतलब एन देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वन बीटा वन उनको जोड़ेंगे, फिर अल्फा टू बीटा को भी जोड़ेंगे तो एन आएगा, तब तो होमोजीनियस बनेगा, सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब इसके बाद हम करेंगे किसका बात करेंगे, आप इस वाले के बात करेंगे कि डेली वाई क्या है, डेल एक्स है, डेली बाई क्या है बच्चा, डेल एक्स है, तो पहले डेली बाई डेल एक्स इसको निकालेंगे, अब यहां से लिखिएगा नाउ लिखेंगे डिफरेंशिएशन वन, और इसको क्या कर लेंगे पार्शियली कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंस में क्या लिख सकते हैं कि वाई इज क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कोई परेशानी है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला क्या बनेगा डेली बाई डेल एक्स, देखिए हम तो x का केवल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, बाकी लोग क्या हो जाएंगे cos जीरो कैसे, गुणा में है तो जीरो नहीं रहेगा ना, अलग रहता उसमें x नहीं रहता तब जीरो होता। यहां से देखिएगा a वन अल्फा वन x के पावर अल्फा वन माइनस हो जाएगा वन और बीटा वन प्लस a टू अल्फा टू एक्स अल्फा टू माइनस वन वाई और बीटा टू, बस इतने ही काफी है, प्लस हो जाएंगे। इसमें देखेंगे ए एन अल्फा एन एक्स के पावर अल्फा एन माइनस वन, माइनस वन आपको समझ में आ रहा है क्या, माइनस कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर का डिफरेंशिएशन आगे पावर आएगा एक कम कर लेंगे। अच्छा ये थोड़े से देखिए कि डेली बाई डेल एक्स निकाले तो सर यहाँ पे एक्स भी है, तो आप एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो लिख करके मल्टीप्लाई कीजिए या तो ऐसे कीजिए, यहाँ से देखिए एक्स डेली बाई डेल एक्स, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए वन अल्फा वन
एक्स एक्स अल्फा वन माइनस वन बी वाई की पावर बीटा। यहाँ देखिए ए टू अल्फा टू एक्स और अल्फा टू माइनस वाई वाई की पावर बीटा टू, और यहाँ से ए एन अल्फा एन एक्स एक्स के पावर अल्फा एन माइनस वन वाई बीटा एन। कोई परेशानियां? एक चीज आप बताइए, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन रहता है तो दोनों के हम लोग जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? तो बात समझ में आ रहा है ना? इस वाले को ध्यान से देखिएगा, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है वन है, तो दोनों में से एक को एक्स लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे माइनस वन प्लस वन कट करके एक्स के पावर अल्फा वन आएगा। इसमें लिखेंगे हम लोग ए वन अल्फा वन एक्स के पावर अल्फा वन बीटा वन, बीच में प्लस है। यहाँ देखिए पावर क्या है वन है, इसकी पावर वन, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट के अल्फा टू आएगा। इसको लिखेंगे ए टू अल्फा टू और एक्स के पावर अल्फा टू और यहाँ पे बीटा टू हो जाएंगे, प्लस डॉट डॉट क्या कर लेंगे ए ए अल्फा एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन। कोई परेशानी? अब देखिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन नहीं फिर एस फिर से ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन किसको करना है वन का, और वो भी करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो बताइए डेल यू वाई क्या होगा, डेल वाई होगा। आप इसको देखिए वन वन करने का मतलब यहाँ पे वन है, अब वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल ई वाई डेल वाई बनेगा, ए दोनों को छोड़कर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीटा। देखिएगा ए वन एक्स के पावर अल्फा वन बीटा वन वाई के पावर बीटा वन माइनस प्लस हो जाएगा ए टू एक्स अल्फा टू बीटा टू वाई के पावर बीटा टू माइनस वन प्लस डॉट डॉट ना। यहाँ पे ए एन हो जाएगा एक्स के पावर अल्फा एन और बीटा एन, ठीक है पावर आगे आएगा ना, और यहां से क्या करेंगे बीटा एन माइनस वन। अब इसलिए y डेल यू बाई डेल वाई, अब ध्यान से देखिएगा y शॉर्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब शॉर्ट लिख देते हैं, जैसे x से मल्टीप्लाई किए तो x को दिखा दिए तो इसका पावर पावर कम हो जाएगा, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y के पावर वन वन कट करके सीधा लिख देती a हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बीटा वन x अल्फा वन y हो जाएगा बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू एक्स के पावर अल्फा टू और वाई के पावर बीटा टू, डॉट डॉट क्या हो जाएगा जी बच्चे ए एन बीटा एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन। अब बात समझ में, अब देखिए यह समीकरण को हम लोग टू मान लेते हैं और यह समीकरण को क्या मान लेते हैं, अब दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड नहीं टू और थ्री डी में। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके हम थोड़ा सा जोड़ेंगे तो आप समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया गया है। पहले एक ई बराबर एक फंक्शन मान लीजिएगा अल्फा वन बीटा वन, ये भी समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा फिर गुना कर लेना। अब दोनों में क्या करना है जोड़ना है, जोड़ने के बाद एन और क्या आना चाहिए ई आना चाहिए, तो आगे बारे में हम लोग दोनों के जोड़ करके देखते हैं। तो आप इसको नोट, अब दोनों हम समीकरण को क्या करते हैं जोड़ेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं है ना। इसके बाद आप इधर से लिख लीजिएगा, देखिएगा यहां पे क्या है एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई बराबर x डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू रखेंगे ए वन अल्फा वन एक्स के पावर अल्फा वन बीटा वन प्लस ए टू अल्फा टू एक्स के पावर अल्फा टू बीटा टू प्लस डॉट डॉट क्या करेंगे ए एन अल्फा एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई टू की पावर एन प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो ए वन अल्फा
जाएगा बीटा वन एक्स अल्फा वन वाई की पावर बीटा वन, ए टू बी टू एक्स अल्फा टू यहां से बी टू डॉट डॉट ए एन बीटा एन एक्स के पावर अल्फा ए वाई के पावर बीटा ए। थोड़ा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चे यहां से देखो क्या करना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिएगा इस वाले को और इस वाले को देख लीजिएगा, बस अल्फा वन और बीटा वन है, ए वन ये सब कॉमन होगा कि नहीं कॉमन होगा, ए वन ए वन एक्स के पावर अल्फा वन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर दे तो क्या लिखेंगे, अल्फा वन प्लस बीटा वन होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ए वन एक्स अल्फा वन वाई के पावर क्या होगा बीटा वन प्लस इस वाले को और इस वाले को देखिए ए टू मतलब हो जाएगा अल्फा टू और बीटा टू होगा, ए टू होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक्स के पावर अल्फा टू वाई के पावर बीटा टू प्लस प्लस डॉट हो जाएंगे। इस वाले को लास्ट वाला और लास्ट वाले को देखिएगा, अल्फा एन और बीटा एन है, एन एन है पावर सेम टू सेम है, तो अल्फा एन प्लस क्या लिखेंगे बीटा एन, और कॉमन क्या हो रहा है एन कॉमन हो जाएगा, बस आगे पीछे लिखे है, एक्स के पावर क्या कॉमन होगा अल्फा एन और वाई के पावर बीटा एन। बात समझ में आया है नहीं आ गया, अल्फा वन प्लस बीटा वन अल्फा टू प्लस बीटा टू अल्फा एन प्लस बीटा एन इक्वल टू क्या लिखल है एन लिखा हुआ है, तो ए वन एक्स अल्फा वन वाई बीटा वन एन ए टू एक्स अल्फा टू वाई बीटा टू प्लस डॉट डॉट क्या होगा एन ए एन एक्स अल्फा एन वाई बीटा एन। बात समझ में आ रहा है ना, एन को हम लोग क्या करेंगे बाहर ले लेते हैं, क्योंकि बाहर कहने का मतलब कॉमन करेंगे, तो एन यहाँ से ए वन एक्स अल्फा वन वाई बीटा वन प्लस ए टू एक्स अल्फा टू वाई बीटा टू प्लस डॉट डॉट क्या करेंगे ए एन एक्स अल्फा एन वाई बीटा एन। बात समझ में आ रहा है ना, देखिए यह समीकरण एक से आप देख लीजिए इसको क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है, तो एन यू लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा बाय वन, वन के द्वारा इतना बराबर क्या है यहां से कौन आ रहा था जी बच्चा एक्स डेली वाई डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई डेल वाई, ठीक है आसान था ना, बात समझ क्या है ना, देखिए डेल देखो पहले जो फंक्शन है उसको याद कीजिएगा, डेली बाय डेल एक्स निकाल दीजिए, डेली बाय डेल वाई निकाल दीजिए, एक्स से गुणा करके वाई से गुणा करके दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कुछ कॉमन आएगा अल्फा वन बीटा वन के पावर एन वगैरह हो जाएगा, तो एक्स डेली बाय डेल एक्स प्लस वाई डेली बाय डेल वाई इक्वल टू एन, ओके नोट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इस थ्योरम जो देखे थे आयलर थ्योरम पर एक हम लोग एग्जांपल लिया है किसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब एक्स डेली वाई क्या होगा डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई क्या होगा डेल वाई इक्वल टू क्या होगा एवी, ठीक है क्या होगा एवी। सबसे एक आसान तरीका अगर इसको हम लोग देखते हैं तो एक्स डेली वाई क्या करेंगे डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई क्या करेंगे डेल वाई, एन यू और यहाँ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका यू का एक बार भी बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू का, जितने यू का डिफरेंशिएशन नीचे कर दीजिए यू का फंक्शन ऊपर रखिए इसको काटिए पीटिए एक मिनट में आ जाएगा आपका आंसर कैसे होगा सेटिस्फाई देखिएगा। हमें तो एक फाइनल आपको पता नहीं चल रहा है कि ये फाइनल हमको करना होगा, एन का वैल्यू कितना लेंगे थ्री, क्योंकि वाई बाई एक्स है तो क्या होगा थ्री, तो यहाँ पे थ्री यू आ जाएगा, इसको काटिएगा पीटिएगा जैसे इसको देखिए थ्री यू यहाँ पे थ्री यू, एन का वैल्यू थ्री होगा यू का वैल्यू इसको रख देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन ऑफ यू का बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसे ना बना करके जैसे बोलता है उसी तरह से हम लोग बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना चाहिए ठीक है।
अब यहां से हम लोग देखेंगे u इक्वल टू क्या है, x क्यू log y बाई x। बच्चे ये बताइए कि log a बाई b इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस log b होता है। u इक्वल टू x क्यू log y माइनस log x लिख सकते हैं। अगर u से फिर से हम लोग इसको गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, log y माइनस x क्यू log x, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, वन कर लेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, वन। नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को छोड़ दे क्या। चलिए इस वाले को हम लोग वन मान लेते हैं, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। सिंस लिखेंगे u इज अ क्या है, ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है बच्चे, 3 डिग्री का है, क्योंकि बट्टा में तो है ना, ये क्या है 3 डिग्री का, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि x del u by del x plus y del u by del y equal to n u, u का वैल्यू यही आना चाहिए और n मतलब 3 डिग्री u आना चाहिए ना, यही तो वेरीफाई करना होगा। अब आप इस थ्योरम को बारे में आपको पता है कि x del u by क्या होना चाहिए, del x plus y del u by क्या होना चाहिए, del y, और एकदम दिमाग पर सेटअप करके रखिए इसको, जैसा भी थ्योरम होगा इसको एकदम हमेशा एक नंबर पे पूछ भी सकता है कि x del u by del x plus y del u by del x बराबर del y, n u लिखना है, क्या लिखना है, n u, n मतलब डिग्री, u मतलब फंक्शन। अब बताओ इसको नंबर वन है, अब हम क्या करेंगे, नाउ देखिए डिफरेंशिएशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंस वाई क्या होना चाहिए, इस वाले को डेल यू बाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स, यू ए टू बी का डिफरेंशिएशन, बाहर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अंदर को छोड़ देते हैं, कोई परेशानी या कोई दिक्कत, बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होगा प्लस। अब इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अंदर वाले को, तो एक्स क्यूब होगा, यहाँ देखिएगा लॉग वाई, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, और लॉग का डिफरेंशिएशन पता है वन बाई एक्स। अगर इस वाले को हम डेल यू बाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर log y माइनस log x होगा, अच्छा अच्छा इस वाले को लिखेंगे माइनस, ये दोनों कट जाएगा x स्क्वायर, देखिएगा क्या होगा, प्लस x क्यू और माइनस वन बाई x कट करके माइनस क्या मिलेगा x स्क्वायर, सही है। अब इसमें क्या है, x से गुना करेंगे तो इसलिए x del u by del x, x से गुना करेंगे तो 3x क्यू log y माइनस log x माइनस x की, कोई परेशानी है, यह समीकरण क्या आ गया आपका, टू आ गया। अगले बार में डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए आप, y का, तो हम क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ओवर पार्शियली ना विथ रिस्पेक्ट टू y, एक्स क्या रहेंगे, इस वाले को देखिएगा डेल यू वाई डेल वाई गुना में है, ए इंटू बी का बाहर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा कि नहीं होगा, प्लस अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा ही होगा, एक्स क्यूब नहीं, अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन तो वन बाई वाई और उसका जीरो, आ रहा समझ में, कैसे आ रहा है, हाँ क्योंकि बाहर वाले अगर वाई के रिस्पेक्ट में बाहर को करेंगे तो जीरो, अंदर के जैसे के तैसे, फिर प्लस बाहर को छोड़ेंगे, अब अंदर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक्स वाले को जीरो कर लेना है, यहाँ से जीरो से गुणा करेंगे जीरो, सीधा क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई बराबर एक्स क्यू बटा वाई लिख दे, अब इसलिए क्या लिखेंगे वाई डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू, एक वाई से गुणा करेंगे तो एक्स
यूं कर लीजिएगा क्योंकि y, चलिए छोड़िए आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, y से गुना कर लीजिए डेली बाई डेली में, तो क्या मिलेगा y डेली बाई डेल y इक्वल टू x की। अब हम लोग क्या करेंगे, यह नंबर क्या हो गया थर्ड हो गया, अब कौन कौन समीकरण जोड़ देना है, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट। कहने का मतलब है समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, जैसे देखिए दोनों को जोड़ दिए हैं तो यहाँ से होगा x डेली y डेल x प्लस y डेली y डेल y बराबर, इसका वैल्यू क्या है जी थ्री, क्या है थ्री एक्स क्यूब ना, यहाँ से क्या होगा log y माइनस log x माइनस x क्यूब, बीच में क्या होगा प्लस, इसका वैल्यू क्या है x क्यूब, एक कट गया कटा या नहीं कटा, कट गया बराबर, देखिए क्या बच गया थ्री एक्स क्यूब log y माइनस log x। अब बताइए आप ही कि ये चीजें ध्यान से देखेंगे, यह चीजें जो क्या है आपका u बराबर दिया है x क्यूब log y माइनस log x ना, ये क्या है आप देखिए तो इसको u लिख सकते हैं और इधर से क्या आ रहा है x डेली y डेल x प्लस y डेली y डेल y, ये किसका थ्योरम होता है और u तो फंक्शन, n क्या होता है डिग्री, इसका मतलब है कि x डेली y डेल x प्लस y डेली y डेल y इक्वल टू n u आना चाहिए, n मतलब 3 है, n मतलब डिग्री क्या है थ्री है, डिग्री क्या है थ्री है, तो थ्री यू आया, इसको हम क्या लिखेंगे लास्ट में द गिवन फंक्शन ना, क्या लिखा जाएगा हेंस द गिवन फंक्शन सटीक ना, क्या है इस फाइव बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच जाएगा ना, इसको दिमाग पर सेटअप करके रखना है कि ये चीजें होता है। देखो इस टाइप के फंक्शन ई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस वाई है, अब पी टी एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू वन आना चाहिए, PT मतलब प्रोवडेट ना, जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग लिख देंगे, देखिएगा u बराबर क्या है log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x प्लस y है ना, इसको इधर ले चलेंगे तो u e के पावर u और log खत्म होगा तो x स्क्वायर प्लस होगा y स्क्वायर बटा x प्लस y, सीधा लिख देते हैं ना इज, ये क्या है होमो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री बताइए कितने डिग्री का है, टू वन ना, यहाँ पे टू टू और यहाँ पे वन वन, तो टू में से वन गया तो क्या मिलेगा वन, वन डिग्री का है, कितने डिग्री का है मुझे वन डिग्री का है। अब इसमें हम लेट मान लेते हैं कि भी इक्वल टू ई के पावर क्या होगा यू, अगला फंक्शन बनना पड़ेगा क्योंकि तीन दोनों क्या है आपस में इक्वल है, b बराबर क्या मानेंगे e, अब देखिए किससे चलेंगे अकॉर्डिंग टू बताइए रियल थ्योरम, क्या बोलता है ये x देखिए टेल, अब यहाँ पे b लिखेंगे, क्या लिखेंगे b, बोलिए सर e नहीं याद होता है, अरे b लिखना होगा, b फंक्शन माने हैं b बटा डेल x प्लस y डेल y डेल इक्वल टू a क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, समझे बात को, अब आगे इसको देखिए एक्स बी का वैल्यू बताइए e के पावर u dx, बी का वैल्यू बताइए जी n का वैल्यू कितना है वन, बी का वैल्यू e के पावर u, e के पावर u का डिफरेंस है मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम और x का डिफरेंशिएशन वन होता है,
इस वाले को हम लिखेंगे, देखिए e के पावर आगे ले लेते हैं x del u by del x होगा कि नहीं होगा, e के पावर e y del u by del y बराबर क्या होगा u y। बोलिए सर ये बताइए u कैसे बन गया, क्योंकि e के पावर देखिए e के पावर u है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इतना आएगा, और u का डिफरेंशिएशन del u by del x ये बाहर एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा, और u का डिफरेंशिएशन del u by दोनों में से कॉमन होगा या नहीं कॉमन होगा, होगा e के पावर e को कॉमन करेंगे तो x del u by del x प्लस y del u by del y अब बराबर क्या है e के पावर कटेगा तो बचाएगी x del u by del x प्लस क्या होगा y del u by del y इक्वल टू क्या होगा 1 बताइए, दिस इज इजी है ना। तो इस टाइप के पहले अगर आएगा ऐसा जटिल जैसा दिखेगा तो आपको इसको इधर ला देना है, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहेगा फिर भी, और उसको भी मानना है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चलेंगे तो भी मानेंगे यू नहीं मानेंगे, यू खुद चल करके आएगा। ये तो भाई हो गया, अब देखो मेरा ट्रिक क्या कहता है, बहुत शानदार ट्रिक हम लगाने वाला है इसमें, देखिएगा ऐसा ट्रिक लगा देते हैं। देखिए हम सीधी सी बात जानते हैं कि x del u by x टाइप के del x प्लस ना y del u by del y इक्वल टू क्या होगा a du बटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या करके डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन ऑफ u का और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे v लिख दीजिए और यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब बताइए x del u by del x प्लस y del u by del y n का वैल्यू कितना है 1, v का वैल्यू कितना है, अच्छा v का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में कितना होगा यही होगा e के पावर u होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ v और सीधा विथ रिस्पेक्ट टू u के बात समझ गए ना, तो u का डिफरेंशिएशन हुआ जैसे कि तैसे और u का वन हो जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा तो x del u by del x plus y del u by del y equal to 1 देखिए शॉर्ट में प्रूव हो गया क्या चंदन, ये कब चलेगा ये जब एग्जाम में पूछेगा ये नंबर क्या आएगा तो ही चलेगा, इसको आप नोट कीजिए समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो गिवन दैट u बराबर क्या दिया है, अच्छा u बराबर sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस देखिएगा sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा x प्लस y है ना। आप बताइए अगर del u by del x कीजिएगा इसको तो परेशानी है कि नहीं है, कैसे है sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर x मतलब टोटल, फिर u by v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। हम इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा आप ही बता दीजिए क्या बनेगा, a बन जाएगा sin u बनेगा इनवर्स सब करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा क्या होगा x प्लस y। अब बताइए e एक का है सीधा लिखेंगे e जब होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है अभी देखो अभी यहाँ पे पावर टू यहाँ पे 1 है एक हटेगा तो क्या मिलेगा डिग्री 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भी इक्वल टू क्या मानेंगे साइन u मानेंगे, क्या मानेंगे साइन u। इस वाले में देखिए हम अकॉर्डिंग टू किससे चलेंगे आयलर थ्योरम से चलेंगे, x देखिए डेल a होगा साइन u बटा डेल x प्लस y डेल हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये साइन क्या होगा u बटा ना यहाँ पे डेल y क्योंकि u का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन हो किस में रहा है x और y में तो लास्ट में डेल बाय डेल x है ना। n n कहने का मतलब कितना है 1 है, v का वैल्यू क्या लिखेंगे साइन u। आप बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x डेल बाय डेल x प्लस
cosec in the, अच्छा sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos in y del y del y बराबर क्या होगा sin in, अच्छा दोनों में से cos cos कॉमन कर सकते हैं तो बताइए ये क्या हो जाएगा cos in x plus del y del x plus y del y del y बराबर क्या होगा sin in बराबर, अब देखिए x del y del x plus y del y del y बराबर क्या है sin u, y क्या होगा cos u, sin theta by cos theta बराबर क्या होते हैं tan theta, यहां से क्या लिखेंगे tan u, देखिए यही तो लाना है ना, आप एग्जाम्पल देखिए पढ़ लिए एग्जाम्पल आपको पता हो गया, अब जाइएगा घर पे और एक्सरसाइज देख करके सभी इसी टाइप के बनाइएगा, क्या चल रहा समझ में आ रहा ना, बोलिए सर ऐसा आप इसको इधर क्यों ला रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाह रहे, यू का दिया है तो डेली बाई डिलेक्स निकालेंगे, लेकिन देखिए थोड़ा इसको याद रखिए मत, अगर डेली बाई डिलेक्स लिखिए आप निकालिएगा थोड़ा लंबा डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, बहुत लेंदी जाएगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बोलिए सर भी में क्यों मान, अरे भाई साइन यू का नहीं होगा तो साइन यू रख दीजिए, साइन यू रखिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग भी तो एक फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे डिग्री कैसे पता चल गया, ऊपर में टू नीचे वन एक कट करके एक बच जाएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक देखिए, अरे मेरा ट्रिक देखिए क्या, आप लोग मतलब शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है ना, अच्छा लगे तो करते रहना है, एन क्या है वन है, वी का वैल्यू क्या है साइन यू, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू, तो वी का डिफरेंशिएशन यू में करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस यू, कॉस यू, तो ये बताइए एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा टेन, बहुत जल्दी आ गया दो स्टेप में, समझ में आ गया, जब भी आपको इस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करना होगा तो आप इतना रखिए ध्यान कि यही मेन ट्रिक होता है, जब आपके एक दो नंबर में पूछेगा तो शॉर्ट में बना लेंगे नहीं तो लेंदी इससे बना लेंगे, ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एल फाइव लेकर के आएंगे, उस क्लास में हम लोग टोटल एक्सरसाइज को कम्प्लीट ही कर देंगे जो भी 10, 11, 12 को होगा, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा कुछ हम भी कोशिश करते हैं, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।